अस्सलाम वालेकुम। ये एक जनरेटर है जेस्को कंपनी का। इस जनरेटर के अंदर ख़राबी कुछ ऐसी है कि इसका जो ये बटन है का ये सही तरह काम नहीं कर रहा है और इसको रिप्लेस करना है। तो ये ख़राब है, इसका आपको कैसे पता लगेगा? चेक करने का आसान तरीका ये होता है कि सेल्फ कुपी के ऊपर दो पॉइंट्स बने हुए होते हैं ना। एक पॉइंट वो होता है जो बैटरी से आ रहा होता है, दूसरा पॉइंट जो है वो सेल्फ के अंदर ही आ रहा होता है। आप इन दोनों पॉइंट्स को टच करें तो इसका मतलब यह है कि सेल्फ, बैटरी, हर चीज़ ठीक है, यहाँ पर कोई ख़राबी है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा, हमने स्क्रू वगैरह खोलनी है, इसको खोलते हैं और आपको इसको रिप्लेस करने का तरीका बताते हैं। बहुत आसान सा, बहुत सादा सा तरीका, इसको ठीक करने का बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ एक दो तीन तारें लगी हुई होंगी, बस आपने उसका ध्यान रखना है। जी देखिए, ये मैंने खोल लिया इसको। ये देखिए, इसमें ये तीन तारें लगी हुई हैं सिर्फ। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो लगी हुई है वो काले रंग की वायर लगा हुआ है। ये जो काले रंग का वायर होता है ये होता है इसको जनरेटर को बंद करने के लिए। ठीक है, और उसके बीच में लगा हुआ है येलो एंड ग्रीन वाले, हाँ ग्रीन, येलो और ग्रीन ना, ये होता है अर्थ का। और सबसे लास्ट में जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है ब्लैक एंड वाइट, ये जो होता है वो सेल्फ के लिए होता है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है कि इसको यहाँ से मैं पहले इसके वायर्स निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाला तार निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है इसका बीच वाला, और फिर उसके बाद सबसे नीचे वाला। जी ठीक है, मैंने निकाल लिया। फिर उसके बाद ये यहाँ से इसको इस तरह का, इसमें दबाने के लिए होता है, ये हमारे पास नया स्विच हैगा, हमें ये चेंज करना है। इसको दबाने का होता है, ये यहाँ से दबाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ऐसे दबा के, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिप्लेस हो रहा है तो इसके पीछे ये सॉल्यूशन भी लगा हुआ होता है, इसको भी हटा लेता हूँ। ठीक है, ये सोल्यूशन हमने हटा लिया है और इसको यहाँ से दबाएंगे और ये बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मोबाइल फाइनली, तो ये हमने इसको निकाल लिया। अब हम इसको नया वाले को इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। इसको लगा के ये धक्का देंगे तो ये आराम से फिट हो जाएगा। प्रेस करेंगे इसको अंदर, ये बैठ के अंदर। ठीक है, और इसको लगाने के लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर तीन वायर हैं। ठीक है, ये जो येलो एंड ग्रीन है ये मिड में डालने आप, ये आ गया, और ये दूसरी ब्लैक है इसको ऊपर लेना। ठीक है, ये हमने इसको ऊपर डाल दिया, और ये वाला ब्लैक एंड वाइट है इसको हम जो है सबसे नीचे लास्ट में डालते हैं। चेक करते हैं, तो ये हमारा जनरेटर का जो स्विच है वो लग गया।